दोस्तों, उत्तराखंड के एक बड़े नेता यशपाल आर्य ने कांग्रेस में घर वापसी कर ली है। वो बीजेपी की पुष्कर सिंह धामी की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे, लेकिन उत्तराखंड चुनाव के करीब 4 महीने पहले ही उन्होंने न सिर्फ मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है, बल्कि बीजेपी से भी इस्तीफा देकर वो वापस कांग्रेस में आ गए हैं। यशपाल आर्य के विधायक बेटे संजीव आर्य भी कांग्रेस में लौट आए हैं अपने पिता के साथ। इस वीडियो में मैं इस पर बात करूंगा कि यशपाल आर्य की कांग्रेस में वापसी के राजनीतिक मायने क्या हैं, यशपाल आर्य एंड संस से कांग्रेस को क्या फायदा हो सकता है और बीजेपी को क्या घाटा हो सकता है, और यशपाल आर्य की कांग्रेस में वापसी की बिग पिक्चर क्या है, ये सारी बातें इस वीडियो में। उत्तराखंड में एन विधानसभा चुनाव से पहले यशपाल आर्य के कांग्रेस में लौट आने के पीछे का पूरा गेम क्या है, इस पर बात करने से पहले यशपाल आर्य के राजनीतिक कद, उनकी राजनीतिक हैसियत के बारे में भी जान लेते हैं। यशपाल आर्य कांग्रेस में शामिल होने से पहले उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी की सरकार में उनके पास 6 विभाग थे। वैसे वो परिवहन के मंत्री हैं, लेकिन रहे हैं, लेकिन उनके पास 6 विभाग थे। परिवहन विभाग था, आबकारी विभाग था, समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, छात्र कल्याण विभाग और निर्वाचन, ये जो विभाग थे उनके पास 6 विभाग थे। तो इससे उनके राजनीतिक कद का एक अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। वैसे यशपाल आर्य उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले की बाजपुर सीट से विधायक रहे हैं और उनके बेटे संजीव आर्य नैनीताल सीट से विधायक हैं। यशपाल आर्य इस समय उत्तराखंड की राजनीति का बड़ा दलित चेहरा है। 4 साल पहले बीजेपी में जाने से पहले यशपाल आर्य जो थे वो दो बार उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं, जो वो बीजेपी में गए थे 2017 में। यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य ने 2017 के विधानसभा चुनाव से के दौरान कांग्रेस छोड़ी थी और वो बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया था। बीजेपी ने तब दोनों पिता पुत्र को प्रत्याशी भी बनाया उनकी सीटों पर और दोनों जीत भी गए थे वो चुनाव 2017 का। इसके बाद बीजेपी सरकार में यशपाल आर्य को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। जी हाँ, उसका उनको इनाम मिला था कांग्रेस छोड़ने को, 4 साल पहले की बात है। यशपाल आर्य की कांग्रेस में जो घर वापसी हुई है उसकी टाइमिंग बहुत अहम है दोस्तों। उन्होंने ऐसे समय में कांग्रेस में वापसी की है जबकि उत्तराखंड में बीजेपी दूसरे विधायकों पर डोरे डाल रही है। कुछ विधायकों को वो अपनी पार्टी में शामिल करा चुकी है, चुनाव से पहले अपने पक्ष में एक माहौल तैयार कर रही है उत्तराखंड में। हाल ही में उत्तराखंड में कांग्रेस के विधायक राजकुमार और एक निर्दलीय विधायक हैं प्रीतम सिंह पंवार और एक और निर्दलीय विधायक हैं राम सिंह कैड़ा, इन सबको बीजेपी ने धूमधाम से अपनी पार्टी में शामिल कराया था। लेकिन यशपाल आर्य की घर वापसी से कांग्रेस ने बहुत बड़ा दांव खेला है। इसे आप एक मास्टर स्ट्रोक भी कह सकते हैं, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं इस बात को आपको बिंदुवार समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब कुछ दिन पहले पंजाब में कांग्रेस ने पहली बार किसी दलित नेता को चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया, कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह पंजाब में सरकार की कमान उस दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी को दी गई, तब कांग्रेस के जो पंजाब प्रभारी थे हरीश रावत, उनका एक बयान काफी चर्चा में आया था। तब हरीश रावत ने कहा था कि वो उत्तराखंड में भी किसी दलित को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। ये हरीश रावत का बयान था।
और इस बयान से हरीश रावत ने सबको चौंकाया, क्योंकि अभी तक सब ये मान रहे थे कि उत्तराखंड में जो 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें हरीश रावत ही कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। हरीश रावत के विरोधियों ने भी उनके इस बयान का खूब मजाक उड़ाया था, उन पर तंज भी कसे थे जो उन्होंने कहा था कि दलित चेहरे को देखना चाहते हैं वो मुख्यमंत्री। लेकिन उस बयान के मायने अब समझ में आ रहे हैं दोस्तों। यशपाल आर्य की घर वापसी से इस बात की पुष्टि हो गई है कि तब कांग्रेस और यशपाल आर्य के बीच काफी कुछ पक रहा था पर्दे के पीछे, जिसकी या तो भनक जो है वो हरीश रावत को लग चुकी थी या वो उस पॉलिटिकल ऑपरेशन का हिस्सा थे जिसमें आर्य साहब की वापसी हुई है। तो उसका नतीजा अब सामने है और मुमकिन है कि यशपाल आर्य भी ये सोचकर कांग्रेस में वापस लौटे हों कि उत्तराखंड में भी कांग्रेस दलित चेहरे पर दांव लगा सकती है, और ऐसे में उनके लिए सबसे बड़ा मौका आ सकता है। ये हो सकता है कि यशपाल आर्य ने ये बात सोची हो और तमाम इन्होंने कैलकुलेशन की हो। अब जरा वो राजनीतिक समीकरण समझ लेते हैं जो कि यशपाल आर्य की कांग्रेस में वापसी से असर डाल सकते हैं। तो दोस्तों, यशपाल आर्य का दलित समाज से होना आने वाले चुनाव में उत्तराखंड के दो बड़े जिलों में असर डाल सकता है, ऐसा बहुत राजनीतिक पंडित भी मानते हैं। उनमें से एक जिला है हरिद्वार और दूसरा जिला है उधम सिंह नगर। दोस्तों, ये दोनों जिले जो है ना वो उत्तराखंड के मैदानी जिले हैं और यहाँ अच्छी खासी दलित आबादी है। और गौर करने वाली बात यह कि हरीश रावत ने दलित सीएम वाला जो बयान दिया था वो हरिद्वार जिले में ही दिया था जहां की दलित आबादी बहुत प्रभावी है, एक प्रभावी वोट बैंक है हरिद्वार जिले में, वहां पे हरीश रावत ने वो बयान दिया था। उसके मायने आप समझ सकते हैं दोस्तों। उत्तराखंड की जो विधानसभा है उसमें कुल 70 सीटें हैं, इनमें से दो जिलों यानी हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कुल 20 सीटें हैं, दो जिलों में 20 सीटें। 2017 के चुनाव में इन दोनों जिलों की उन 20 सीटों में से 16 सीटें बीजेपी ने जीती थी 2017 के चुनाव में। हरिद्वार जिले की 11 में से 8 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था, जबकि कांग्रेस केवल 3 सीट ही जीत पाई थी हरिद्वार में। जबकि उधम सिंह नगर जिले की जो 9 सीटें हैं उनमें से 8 सीटें बीजेपी ने झटक ली थी और कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर ही जीत पाई थी। तो आने वाले चुनाव में भी ये दोनों जिले और इनकी जो 20 सीटें हैं वो बहुत अहम हो सकती हैं, क्योंकि इन दोनों जिलों में अच्छी खासी दलित आबादी है। और दूसरा फैक्ट ये भी है कि उत्तराखंड में अब तक जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं, चाहे वो बीजेपी का बना हो चाहे वो कांग्रेस का बना हो, वो सभी सवर्ण वर्ग से हुए हुए हैं जो मुख्यमंत्री बने हैं, जबकि राज्य में दलित आबादी कम नहीं है। उत्तराखंड में जो दलित आबादी है वो करीब 18.50% है और उसी के हिसाब से जो है राज्य की 70 विधानसभा सीटों में से 13 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। और कांग्रेस के सामने जिस तरह के चैलेंजेस हैं, एक तरफ आम आदमी पार्टी कांग्रेस की कीमत पर अपने लिए उत्तराखंड में स्पेस बनाने की जुगत में है, बीजेपी पहले से ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के लिए। इन्हीं तमाम हालातों को भांप कर ज्यादा संभावना यह है कि कांग्रेस पंजाब के बाद उत्तराखंड में भी दलित मुख्यमंत्री का दांव चल सकती है, और ये दांव सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं होगा, ये दांव उस उत्तर प्रदेश की दलित आबादी को भी मैसेज देने के लिए होगा जिस उत्तर प्रदेश में चुनाव उत्तराखंड के साथ साथ होने हैं। ये मैसेज होगा कि देखो, पंजाब के बाद उत्तराखंड में भी हमने दलित चेहरा आगे किया है। तो अगर
कांग्रेस उत्तराखंड में यशपाल आर्य के रूप में दलित चेहरा सीएम कैंडिडेट के रूप में आगे करती है, तो इतना तय है कि उसके इस कदम से हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले के चुनावी समीकरणों पर असर पड़ेगा। दोस्तों इन दोनों जिलों में 20 सीटें हैं, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, जो कि किसी भी पार्टी का गेम बना और बिगाड़ सकती हैं। यशपाल आर्य के साथ एक एडवांटेज तो ये भी है कि वो इस समय उधम सिंह नगर जिले की बाजपुर सीट से ही विधायक है, तो उधम सिंह नगर जिले में उनका असर वैसे भी रहेगा और जब चेहरा बन जाएंगे तो वो उसका असर और होगा। तो उत्तराखंड के मैदानी हिस्से में दलित कार्ड इसलिए भी कारगर रहने के ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि वहां की जो सियासी जमीन है वो आजमाई हुई है। हरिद्वार जिले में वो पारंपरिक तौर पर बीएसपी को लेकर अच्छा खासा सेंटिमेंट है रहा है। हम उत्तराखंड के जो पहले के चुनाव हैं उनमें भी देखेंगे तो यहाँ बीएसपी को अच्छा खासा वोट मिलता रहा है, हरिद्वार जिले की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, इतना जरूर है कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों को छोड़कर बाकी के जो पहाड़ी जिले हैं वहाँ दलित कार्ड का बहुत ज्यादा असर शायद देखने को नहीं मिलेगा, जहां तक मैं सोचता हूं। लेकिन पहाड़ की दलित आबादी के पास अपना मन बनाने के लिए एक स्पष्ट तस्वीर जरूर सामने होगी और ये चीजें शायद कांग्रेस का जो थिंक टैंक होगा वो सोच रहा होगा या उसने सोचा होगा। वैसे उत्तराखंड के चुनाव का एक ट्रेंड रहा है दोस्तों कि पहाड़ में एंटी इनकमेंसी जो फैक्टर है वो सत्ता विरोधी रुझान जो है वो बहुत प्रभावी होता है, जिसका नुकसान अगर इस समय किसी को होगा तो वो सत्ताधारी दल यानी बीजेपी को हो सकता है। पहाड़ में बीजेपी का विकल्प कांग्रेस ही है, इसीलिए शायद कांग्रेस मैदानी वोटरों को यशपाल आर्य के चेहरे के जरिए साधने की जुगत में हो और ऐसा शायद उसके बारे में सोच रही हो। वैसे भी एक मुश्त लगभग 19% वोट कोई मामूली वोट नहीं है, इतना वोट दलित वोट है उत्तराखंड में और ये कईयों का गेम बना और बिगाड़ सकता है। तो हालांकि अभी दावे के साथ दोस्तों ये नहीं कहा जा सकता कि दलित चेहरे यशपाल आर्य की कांग्रेस में वापसी सीएम कैंडिडेट बनाने के लिए हुई है, लेकिन जिस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं उसमें अगर ऐसा होगा तो चौंकिएगा मत। अगर जो आ रहे हैं वो सीएम कैंडिडेट के चेहरा होंगे तो ये चौंकेगा मत क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि शायद तैयार हो रही है। तो मित्रों, उत्तराखंड के ताजा जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उस पर ये थी मेरी एक त्वरित टिप्पणी और उम्मीद है कि यशपाल आर्य की घर वापसी की एक बिग पिक्चर आपको मैं समझा पाने में कुछ हद तक सफल रहा हूंगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा दोस्तों, और जाते जाते इतना याद जरूर दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब बटन है नीचे उस पर क्लिक कीजिएगा और उसके बगल में एक घंटी आइकन है या बेल आइकन है, उस पर भी अगर आप क्लिक करेंगे तो मेरे हर नए वीडियो की सूचना आप तक पहले पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।